तो इस गांव का नाम बोर गांव है और ये मेरे भाई लोगों का घर ये सबसे नीचे है। ऊपर पूरा गांव है, सबसे लास्ट गरीनी का है और रोड यहां से ऊपर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सचिन सजवाण में। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया और एकदम मस्त होंगे। तो आज के नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं शादी में आ रखा था रतनोगाट बोर गाँव, ये उत्तरकाशी रोड पर पड़ता है। तो भाई के लड़के मौसी के लड़के की शादी थी, तो अभी आया मैं लेट में, तो अभी पहुँचे हम। अभी यहाँ पे खाना खुना चल रहा है और अभी मेहंदी लग चुकी है दूल्हे के। थोड़ी देर में डांस होगा, वो भी दिखाएंगे आपको, पर उसमें कॉपीराइट का इशू होता है, थोड़ा म्यूट करके दिखाएंगे आपको। और पूरा ब्लॉग ये कल तक चलेगा मेरा, जब तक बारात में जाएंगे हम और आपको हर चीज़ दिखाएंगे हम। आप लोग ऐसे ही बने रहे। आज भाई जी की शादी में और अभी मैं भाई जी की मेहंदी लग चुकी है और यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, मेरी मौसी जी लोग सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग मेहंदी लगा रहे हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे, डांस भी दिखाएंगे उस पर। भाई लक्की रमोला और भाई भी आज ब्लॉग में शामिल हो रहे हैं पहली बार। और अभी खाना खुना सारे लोगों ने खा लिया है, जो भी होता है मेहमान लोग आ रखे हैं, जो भी अभी खाना पीना सबने खा लिया है। अब थोड़ी देर में अब डांस होगा। कि ज़माने की मतलब जैसे बाहर पे ना वो बनाते थे पहले के कच्चे मकान, इसी टाइप का बना रखा है। यहाँ लकड़ी आग वगैरह जलाने के लिए होता है, हम देख सकते हैं आप। के तुम जगाने तक क्या तुम ना लाखड़ा जगाने वो पर क्या था चुन अच्छा दूध गर्म कर। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं जो डिशेज हैं यहाँ पे बन रही हैं, मतलब बन चुकी हैं और खाना भी लगभग लोगों ने खा लिया। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे चिकन है, कढ़ाई पे मैं दिखाता हूँ किस प्रकार बनाया है इन्होंने। चिकन है जो भी अभी खोल भी रहा है धीरे धीरे, लगभग अभी खाना सारा सभी लोगों को सर्वाइव कर ही लिया है इन्होंने। 40 किलो चिकन यहाँ पर बना था और सभी लोगों बन गए। इसमें पकौड़े लगभग खाना हो गया, इसमें चावल ये नहीं बहुत सारी थी, चिकन था मटन था और सही ढंग से भी हो चुका है यहाँ पे खाना भी। अभी लगभग काफ़ी कम लोग ही रह रखे हैं खाना खुना खाने के लिए, जो कि अब काफ़ी कम ही रह रखे हैं। कुछ हो चुका है, खाना खुना हो ही गया है। अब यहाँ पे डीजे है, ये स्टार्ट होगा, फिर आपको दिखाते हैं डांस, वो भी म्यूट करके। बड़ा होता है कि मैं आपको डांस वैसे दिखाऊं कि मतलब म्यूज़िक के दिखाऊं, बट यूट्यूब कहता है कि मतलब वो किसी का कॉपीराइट, उसमें कॉपीराइट इशू आ जाता है ना। यूट्यूब का अपना खुद है कि मतलब तुम क्रिएटिव होना चाहिए, यूट्यूब का एक मोटिव होता है कि हाँ तुम्हें खुद का क्रिएटिव करना होता है, तब जाके लोग तुम्हें देखते हैं उसमें ना। तुम्हारा खुद का होना चाहिए, म्यूज़िक भी हो तो तुम्हारा खुद का हो, जो भी हो मतलब। अब जैसे डांस वीडियो में उसमें पीछे से अगर म्यूज़िक आएगा, अगर मैं डालूंगा तो जो जिस कंपनी ने वो म्यूज़िक डाला होगा तो तुरंत उसमें कॉपीराइट इशू आ जाता है उसमें। ठंडा हो गया, जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे वैसे और ठंडा, क्योंकि अभी ऊपर से पाला होता है ना जो वो पड़ रहा है अभी। और सारे लोगों ने भी फ़िलहाल खाना खा लिया है। अब धीरे धीरे थोड़ा डीजे बजेगा, थोड़ा उसमें लेट होती है क्योंकि मेहमान होते हैं, उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि भाई जिसने खाना नहीं खाया वो खा लो। तो अभी मेहमान लोगों ने भी खा ही लिया है, थोड़ी देर में बस अब डीजे।
पहाड़ी शादियों की अलग ही मजा होती है। आप लोगों को यहाँ पर लोगों को देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, गप्पे लगाते हैं और एक अपने परिवार के साथ काफ़ी इंजॉय होता है, तो यही खासियत होती है हमारे पहाड़ों की। फाइनली दोस्तों डीजे स्टार्ट हो चुका है और अब हम दिखाएंगे अपनी दीदी का डांस और खुद का डांस। तो डीजे स्टार्ट हो चुका है तो दिखाते हैं। ये हमारे मौसी जी हैं, मौसी जी एवरीवन। आज दूसरा ब्लॉग का दूसरा दिन और अभी मॉर्निंग में उठ चुके हैं हम सारे लोग, चाय वगैरह पी ली, फ्रेश हो चुके हैं और यहाँ थोड़ा सा मौसम ख़राब है, थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही है और ऊपर मैं आपको दिखाऊं जो जड़ी पानी कौड़िया जंगल यहाँ से दिखता है वहाँ भी बर्फ़बारी हो रही है। तो अभी तो वहाँ कोहरा लगा है, वहाँ पीछे मेरे ठीक पीछे देखो, वहाँ देखो थोड़ा थोड़ा बर्फ़ भी दिख रही है वहाँ ऊपर, वहाँ कोहरा, वहाँ बर्फ़बारी भी हो रही है, जड़ी पानी काना ताल वहाँ सारी जगह। अब थोड़ी देर में बारात भी जाएगी तब उसके साथ हम भी निकलेंगे।
कुल्हाड़ी डांस। बारात मतलब तैयार रेडी हो चुकी है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब ऊपर सड़क में जाने हैं सारे लोग और अभी बारिश भी रिमझिम बारिश के साथ बर्फ़ पड़ना भी स्टार्ट हो चुकी है। यहां तो नहीं पड़ रही पर ऊपर साइड पूरा बर्फ़ पड़ रहा है और ठंडी ठंड भी बढ़ ही चुकी है। और देखो अब आगे का दिखाते हैं आपको। शादियों की बहुत एक अपने में एक ख़ास बात होती है कि सारे लोग एकजुट होकर किसी शादी समारोह जो भी कार्यक्रम होता है उसको संपन्न करते हैं। और जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो इन्हीं चीज़ों से जिंदा हैं, जो हमारा ढोल दमो और ये ओंकारा टाइप का नहीं हो तो भोमपुर कैसे कुछ बोलते हैं उसे, मुझे भी अभी पूरा नाम नहीं उसका पता, अगर किसी को पता है तो कमेंट में मेंशन कर दे। पहाड़ी जिगजैग रास्तों से होते हुए आ रही है जो कि काफ़ी डोली पालकी पालकी को उठाते हुए थोड़ा दिक्कत भी हो रही है लोगों को अभी, पर खैर अब तो थोड़ा सा रह रखा है सड़क में जाने के लिए, ज़्यादा नहीं है। बट इसी प्रकार पहाड़ की शादियाँ होती हैं, है ना। तो अभी वो कुलदेवी के मंदिर में भी गए थे, वहाँ से उन्होंने माता के दर्शन कर लिए और धीरे धीरे चलते हैं। बारिश भी तेज़ होने लग गई है, देखो आप दिखा सकते हैं, तो ठंड भी ज़्यादा हो रही है। धीरे धीरे चलते हैं, हम सीधे बस पे बैठते हैं तब बात करते हैं।